दोस्तों आप देख रहे हैं यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज 2023 टॉपर स्टॉक और टॉपर मतलब टॉपर। तो आज के टॉपर हैं रैंक वन अतुल कुमार सिंह इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और लोग कहते हैं कि रैंक वन लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जरा आप जानते हैं कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है, क्या स्ट्रेटजी होती है टॉपर की, सोर्सेस ऑफ स्टडी क्या है, इनकी प्लानिंग कैसे थी, या फिर इन्होंने क्या चैलेंजेस फेस किए, अप्स एंड डाउन्स कैसे रहे, ये सारे सवाल आपके मन में होंगे। इन सवालों के जवाब हम जानेंगे टॉपर से। तो टॉपर की कहानी है तो टॉपर की ही जवानी होगी। अतुल कुमार सिंह हैज सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक वन इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन ईएसई 2023। इन्होंने 2021 में भी इंजीनियरिंग सर्विसेज में इनका सिलेक्शन हुआ रिजर्व लिस्ट के थ्रू और अभी सेंट्रल पावर इंजीनियरिंग सर्विस में ये जॉब कर रहे हैं और बिहार के रहने वाले हैं, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के। इनके फादर इंडियन रेलवेज में जॉब करते हैं, इनकी मदर होम मेकर है। और इनके बारे में एक खास बात यह है कि मेडीजी के नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट के थ्रू 100% स्कॉलरशिप लेकर के इन्होंने मेडीजी के इंजीनियरिंग सर्विस प्लस गेट के ऑफलाइन क्लासरूम को ज्वाइन किया। मेडीजी के दिल्ली सेंटर पर ऑफलाइन क्लासरूम कोर्स किया, फिर मेंस का कोर्स ज्वाइन किया लाइव ऑनलाइन, टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन की और इंटरव्यू प्रोग्राम भी किया। तो अतुल, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन। अतुल, लोग बोलते हैं कि अचीवमेंट और वो भी रैंक वन बहुत मुश्किल से आता है, तो आपको कितनी मुश्किलें हुई, क्या स्ट्रेटजी रही आपकी? सर, मुश्किलें तो मैं कहूँगा कि शुरुआत में काफी आई थी क्योंकि कॉलेज में उतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं रहती है। तो जब मैंने यहाँ पे मेडीसी ज्वाइन किया स्कॉलरशिप के साथ, क्योंकि मेरे कुछ सब्जेक्ट बहुत अच्छे थे जैसे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और पावर सिस्टम्स मशीन्स, जिसके थ्रू मुझे स्कॉलरशिप मिला था मेडीसी में। उसके बाद मैंने अपनी पूरी 4 साल की जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई है वो मेडीसी में ही की है, अच्छे से उसको बहुत शार्प किया है। मेरा सबसे पहला अटेम्प्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज का 2020 में था जिसमें मैं मेंस में आउट हो गया। दैट वाज कोविड पीरियड। यस सर। तो एक्चुअली मैं अपने विलेज में, उस टाइम मेरा NTPC और UPPCL दोनों में हुआ था, तो मैं मेडिकल बनवाने के लिए अपने विलेज गया हुआ था। मैं लॉकडाउन में फंस गया था तो मेरी उतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं हो पाई थी इंजीनियरिंग सर्विसेज की, तो मैं मेंस में आउट हो गया था। फिर 2021 में मैंने फिर से पूरा ऑनलाइन वाला जो मेंस का सेशन था उसको अच्छे से किया और 2021 में एक नंबर से सर मेरा रह गया था। जनरल की जो कट ऑफ थी 746 थी 2021 में, मेरे 745 थे। फिर रिजर्व लिस्ट का भी 2022 में आया था, मैं नोटिस पीरियड सर फिर के 2023 में मैंने ज्वाइन किया। सर, मुश्किलें तो बहुत सारी आई हैं, मतलब लेकिन मुश्किलों को फेस करना पड़ेगा और जो हमारी वीकनेस है उसको अच्छे से होन अप करके हमें फिर से परफॉर्म करना पड़ेगा। लोग कहते हैं अंत पहाड़ों का हो सकता है, अभियानों का अंत कहाँ, संघर्षों का अंत कहाँ। तो अंत तो उनके लिए है ना फेज का एंड होना, जिनको एफर्ट नहीं करना, जिनको एफर्ट करना है उनके लिए तो सफलता आएगी ही आएगी, आज नहीं तो कल आएगी। राइट, लोग बोलते हैं जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो अतुल, आप जैसे आपने जब बिगनिंग की तो मेडीजी में आपने ज्वाइन किया तो आपने एक्चुअल इंजीनियरिंग पढ़ना शुरू किया जैसे आप शेयर कर रहे थे। जब आपने टॉप रैंक लाए आज, कैसे फील हो रहा है, कैसा लग रहा है, कि पहले से एक्सपेक्टेड था या सोच रहे थे कि नहीं आएगा? सर, ऑल इंडिया रैंक वन तो कोई एक्सपेक्ट नहीं करता होगा क्योंकि मुझे ये पता था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, बट ऑल इंडिया रैंक वन एक ड्रीम टाइप है मेरे लिए। और आई थिंक सर इसमें बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन है, मेरे पेरेंट्स का, ऑब्वियसली ऊपर वाले भगवान का, एंड मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स जो हम लोग डिस्कस करते थे और वो हर चीज़ ने मुझे थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं हेल्प किया, पावर दिया। यस सर, डेफिनेटली एवरी एफर्ट काउंट्स एंड एवरी सपोर्ट काउंट्स। यस सर। तो बात करते हैं प्लानिंग की, क्योंकि रैंक वन की प्लानिंग क्या होती है, आपने अपनी स्ट्रेटजी को कैसे प्लान किया? सर, मेरा जैसे जो प्री है उसमें जो जनरल स्टडीज़ है उसमें जनरली हमें नहीं, एक डिफाइंड सिलेबस नहीं है, तो उसमें जो हमारी स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया जैसे मैथ्स एप्टीट्यूड उसमें क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए, और एनवायरमेंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में पढ़ के सब जाता था बट क्वेश्चंस उसमें बहुत अटपटे आते थे जो कि उस टाइम सही करना मतलब थोड़ा सा टफ हो जाता है, इसलिए मैंने टेक्निकल पे हमेशा से फोकस किया। इवन प्री में भी टेक्निकल पे फोकस किया और मेन सिंस दोनों पेपर टेक्निकल होते हैं तो आई थिंक अभी तो मार्क्स डिस्क्लोज नहीं हुए हैं बट आई थिंक मेंस में मेरे दोनों पेपर में अच्छे नंबर होंगे। उसके बाद इंटरव्यू में थोड़ा सा लक फैक्टर आ जाता है कि पैनल आपसे क्या क्वेश्चंस पूछते हैं,
तो मुझसे उन्होंने काफ़ी फेवरेबल क्वेश्चन पूछे थे। और इवन जहाँ मैं अभी काम कर रहा हूँ, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, उसमें मैं नेशनल जनरेशन प्लान पे काम कर रहा हूँ, तो उसके बारे में भी उन्होंने पूछा था। जिस सभी क्यूमुलेटिवली सबने मुझे मतलब इंटरव्यू में भी अच्छा एक अपॉर्चुनिटी दिया अच्छा परफॉर्म करने का। तो आपका कहना है कि आपका प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों स्टेजेस में परफॉर्मेंस अच्छा हुआ, प्रीलिम्स में सर, जीएस में मैं नहीं कहूँगा, बट वो जीएस सभी के लिए टफ था। इस बार मैथ का पेपर थोड़ा रैंडमली हाई था, रैंडमली हाई डिफिकल्टी था। लेवल हाई यस सर, था। यस सर, तो थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है जीएस का पेपर, लेकिन टेक्निकल में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, टेक्निकल इज प्रेडिक्टेबल। इंजीनियरिंग सर्विसेज की यही एक खास बात है कि इस जी एग्जाम को प्रेडिक्ट किया जा सकता है, इसमें जी ऑब्जेक्टिविटी है, यस सर, जबकि सिविल सर्विसेज में थोड़ा सब्जेक्टिविटी ज्यादा यस है। सर, यस राइट, तो आपका जो टाइम मैनेजमेंट था घर में सेल्फ स्टडी का, यस सर। वो कैसा होता था? इफ आई से 24 आवर्स ऑफ ए डे, हाउ वाज द प्लान ऑफ 24 आवर्स? सर, मैं हर दिन में अपने छोटे छोटे टारगेट्स रखता था, जैसे कि अगर मुझे आज पावर इलेक्ट्रॉनिक्स करना है तो मैं उसकी पूरी चीज़ें रिवाइज करता था। जो भी नोट्स मेड इजी में जो नोट्स बनवाए जाते हैं, इट्स मोर देन सफिशियंट। आपको कोई रेफरेंस बुक, सिर्फ क्वेश्चंस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं रेफरेंस बुक, जैसे PS भीमराव पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का, बाकी जो क्लास नोट्स हैं वो मोर देन सफिशियंट है। तो मैं हर दिन छोटे छोटे टारगेट बनाता था, एक सब्जेक्ट को मैंने खोला, उसका रिवाइज किया, उसकी एग्ज़ाम दी। टेस्ट सीरीज भी बहुत अच्छे हैं मेड इजी के, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज। और जो मेरी गलतियाँ होती थी उसके लिए मैंने एक डायरी बनाई हुई थी, जिसमें मैंने गलतियों को लिख आपकी इन लेता गलतियों पे बात करेंगे, क्या क्या गलतियां लिखी था। थी यस आपने? सर, तो उसमें जो मेरी गलतियाँ थी, जो क्वेश्चंस मुझे बहुत अच्छे लगते थे, उसको मैं वहाँ लिख लेता था, और पीरियोडिकली मतलब 2-3 हफ्ते में उसको मैं एक बार रिवाइज करता था। दोस्तों, इनसे बात करके मुझे एक बहुत इंप्रेसिव चीज जो लग रही है कि मैंने डायरी बनाई और डायरियों में गलतियों को लिखा। लोग तो अपने अचीवमेंट लिखते हैं, गलतियों को तो लोग इग्नोर कर देते हैं, तो ये आपने बहुत यूनिक बात बताई कि गलतियां लिखी। किस तरह की गलतियां आप करते थे जो आपने नोट डाउन की ताकि दूसरे लोग ना करें उसको? सर, गलतियाँ जैसे कि मुझे ऐसा लगता है कि प्रिपरेशन फेज में लोग हमेशा इस बात पे रह जाते हैं कि हमने क्या नहीं पढ़ा है। मुझे ऐसा लगता है कि जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसमें हमें इम्पोर्टेंट बहुत अच्छा होने की ज़रूरत है। सिली मिस्टेक्स कम होनी चाहिए बेसिकली। तो जैसे कि सर, अब अगर कोई क्वेश्चन है डिवाइड बाय 1+j, कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उसको जब मैं राउंड ऑफ करता था तो मैं 1 एंगल 45 नीचे डिनोमिनेटर में लिख लेता था, जो कि √2 एंगल 45 होता है, जिससे 70.7% का डिफरेंस आ जाता था। मतलब 70.7 होगा 1/√2, तो 30.3 ये का। मिस्टेक आपकी हो रही थी, यस आपने तो सर, नोट कर इसको मैंने ली, नोट किया, इसको फिर नोटिस करा, अब ये नहीं करना है। ये काफ़ी छोटी मिस्टेक है इसलिए मैं मिस्टेक ही बता रहा हूँ। उसके बाद पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में सर कुछ फॉर्मुलेज होते थे जिसमें L की जगह C याद रहता था, उसको मैं लिख लेता था वहाँ पे कि यहाँ पे मैं मिसमैच हो रहा मेरा। इसी तरीके से इंडक्शन मशीन्स, मतलब ये मेरे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें मेरी जो भी वीकेस्ट चीज़ें थी उसको मैंने पॉइंट आउट किया हुआ था, और उस कॉन्सेप्ट को मैं फिर से रिवाइज करता था नोट से। जब आप टेस्ट सीरीज दे देते थे तो यस टेस्ट सर, सीरीज में बहुत सारे ऐसे सवाल आते होंगे जो आप अटेम्प्ट नहीं किए होंगे, यस सर, क्योंकि सेलेक्ट करके आपको 5 out of 8 अटेम्प्ट करने होते हैं। यस सर, तो क्या रिमेनिंग क्वेश्चंस जो कंपलसरी नहीं थे अटेम्प्ट करने यस के सर, लिए, उनको भी घर जाके आप सॉल्व करते थे या उनके सॉल्यूशन देखते थे? सर मैं सॉल्यूशंस तो नहीं देखता था क्योंकि टाइम लिमिट होता है मेंस में, तो मैं कोशिश करता था कि मैं घर पे जाके फिर से पेपर देता था और उन क्वेश्चन को सॉल्व करता था जो मैंने एग्जाम में नहीं सॉल्व किया। अच्छा, तो क्योंकि जो मैं ऑलरेडी सॉल्व किया हूँ उसके जनरली आंसर्स मेरे आ जाते थे, और टेस्ट सीरीज़ में भी मेरी अच्छे मार्क्स आते थे। तो जो क्वेश्चन नहीं कर पाता था, जैसे कंप्यूटर फंडामेंटल्स जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर छोड़ देते हैं, उसको मैं घर पे जाके सॉल्व करता था, नहीं सॉल्व हो रहा तो सॉल्यूशन देखता था। दोस्तों आपका एग्जाम नज़दीक है और आप भी अभी गेट फेस करोगे, ईएएस का एग्जाम लिखोगे, और ये ध्यान रखिए कि बहुत सारे स्टूडेंट्स टेस्ट सीरीज तो लिखते हैं और जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए जो बन गए वो बन गए, जो नहीं बने उनको इग्नोर कर देते हैं। आप कैसे पता आपको कि जो आपने अटेम्प्ट नहीं किए वो एग्जाम में नहीं आएगा या उससे मिलता जुलता नहीं आएगा? इसलिए घर जा करके उसको अटेम्प्ट जरूर करिए, एंड दैट यू कैन लर्न फ्रॉम अतुल कुमार सिंह। इन्होंने बताया कि जो क्वेश्चंस नहीं बनते थे वो घर जा करके अटेम्प्ट करते थे, उनको फिर सीखते थे, एंड दैट इज व्हाट द वैल्यू एडिशन इन योर नॉलेज हैपेंस। तो ये आपने बहुत अच्छी बात बताई, इस चीज़ को मैंने स्टूडेंट्स को सजेस्ट किया है। फिर हम बात करते हैं, जैसे आपकी एक फेज एग्जाम नज़दीक आ गया और एग्जाम अब जैसे 3 महीने बचे हुए हैं, इट्स लाइक 2.5 to 3 months, तो लास्ट मोमेंट की स्ट्रेटेजी में क्या डिफरेंस लाते थे? सर, लास्ट मोमेंट स्ट्रेटेजी मेरी ये रहती थी कि कोई न्यू चीज़ को मैं टच नहीं करूँगा, जो मेरी ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है उसको अच्छे से और अच्छा करूँगा। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट फेज़ में, लास्ट के 3 महीने में रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, टेस्ट सीरीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है।
मेड इजी की जो टेस्ट सीरीज है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बहुत ही अच्छी है, मतलब उसमें अगर आप शुरुआत से लास्ट तक सभी टेस्ट सीरीज देते हैं तो हर एक कॉन्सेप्ट टच हो जाता है। क्या यूनिक लगा आपको टेस्ट सीरीज में या डिफरेंट लगा? सर अगर आप कोई चीज छोड़ते भी हैं तो मेड इजी वही क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में देती है तो आपको करना पड़ेगा। हम लोग कोशिश ये करते हैं कि जो क्लासरूम की टीचिंग है और टेस्ट सीरीज है ना दोनों इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, कहीं ऐसा नहीं हो कि क्लास में जो पढ़ाया गया है उसी कॉन्सेप्ट से टेस्ट सीरीज में क्वेश्चंस पूछ ले, तो दोनों इंडिपेंडेंट चलते हैं। yes. और एक न्यूट्रल असेसमेंट होता है कैंडिडेट का टेस्ट सीरीज के थ्रू विच इज नॉट बाइंडिंग टू द क्लासरूम स्टूडेंट्स, कोई भी उसमें अपीयर हो सकता है। yes. तो ये हम लोग कोशिश करते हैं। दूसरा डिफिकल्टी लेवल टेस्ट सीरीज का कई बार हम लोग हाई रखते हैं ताकि एग्जाम के लिए आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो कि डिफिकल्ट क्वेश्चंस आएंगे, या ऐसा ना हो कि वहां जाकर के अगर टफ आ गया तो फिर आपको लगे अरे हमने तो ऐसा सोचा ही नहीं था, प्रैक्टिस ही नहीं की थी और ये तो सडनली बहुत डिफिकल्ट हो गया। तो वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है टेस्ट सीरीज का। तो पर्पज ये होता है कि बेसिक से लेकर के एडवांस तक के सारे कॉन्सेप्ट आपके कवर हो जाए। और टेस्ट सीरीज इतने नंबर ऑफ टेस्ट हैं, जैसे गेट में लगभग 55-60 टेस्ट हैं, ईएस में भी बहुत सारे टेस्ट हैं, तो अगर आप इतने टेस्ट देते हैं तो मोर ऑर लेस सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाते हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट। अतुल एक बात मैं जो आपसे पूछना चाहता हूँ वो ये कि ऑनलाइन और सोशल मीडिया ये कई बार यूजफुल रिसोर्सेज भी हैं बट दे आर इक्वली डिस्ट्रक्टिव रिसोर्सेज एज वेल। टू मच प्रेजेंस इन दी ऑनलाइन पोर्टल्स या फिर आप टेलीग्राम में या फेसबुक में इंस्टाग्राम में एट्स वाई, तो आपका क्या मानना है और आपकी क्या अप्रोच थी कि एज एन एस्पिरेंट आप कितना टाइम आपको डिवोट करना चाहिए सोशल साइट्स में? सर ये जरूरी है भी कि नहीं? सर सोशल साइट्स मेरे हिसाब से आई थिंक इंटरव्यू के टाइम में मुझे बहुत हेल्प की है, बिकॉज उससे पहले मेरा अभी भी सोशल साइट्स में उतने अकाउंट्स कहीं नहीं है। अभी मैंने रिसेंटली उस पर इंस्टाग्राम पे बनाया क्योंकि मैं सिंगिंग भी करता हूँ। तो जब मेरा प्रिपरेशन फेज था तो मेरा कहीं भी कोई अकाउंट नहीं था, ना तो इंस्टाग्राम पे ना फेसबुक कहीं भी। अभी रिसेंट में बनाना चालू किया। तो आई थिंक सोशल साइट्स को आपको इंटरव्यू के टाइम में इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने इंटरव्यू के टाइम में सोशल साइट्स को बहुत ज़्यादा यूज़ किया है अपने इंटरव्यू के लिए, क्योंकि बहुत कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो, लाइक इसराइल वॉर जो भी हुआ था और मणिपुर वाली जो चीज़ थी, तो उसमें मैं इवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस इस बार पूछे गए थे इंटरव्यू में, तो वो सब के लिए मैंने सोशल साइट्स तो इंटरनेट सर्च किया था। yes. और सर्फ करके फिर निकाला क्या वैल्यू एडिशन, हाँ मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। बट जो मेन मेंस का एग्जाम होता है, प्रीलिम्स का होता है, वहाँ तो बहुत डिसिप्लिन की जरूरत है। यस सर, इसलिए मैं सोशल साइट्स उस टाइम नहीं यूज करते थे। अंत पहाड़ों का होता है लेकिन अभियानों का अंत कहाँ, अंत संघर्षों का हो सकता है लेकिन संधानों का अंत कहाँ, अंत सिद्धियों का होता है लेकिन निर्माणों का अंत कहाँ, और अंत प्रयासों का होता है लेकिन शिक्षा का अंत कहाँ। शिक्षा तो आप जितना पढ़ते जाओगे जितना सीखते जाओगे बढ़ती जाएगी। आपने बताया कि आप सिंगिंग करते थे, यस सर, तो ये आपकी हॉबी है? हाँ यस सर, ये मेरी हॉबी है। कुछ सिंग करके कुछ गुनगुना सकते हो? सर अभी सर कुछ छोटा सा सॉन्ग पुराना ट्राई करो। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। ग्रेट, तो सिंगिंग और डेफिनेटली कोई भी जब हॉबी है, जो भी है हॉबी है किसी की भी, जब आप डिप्रेस होते हो या बिजी होते हो या थोड़ा ओवर स्ट्रेस होते हो, तो ये हॉबी ही है जो आपको वापस नॉर्मलाइज। यस सर एग्जैक्टली, मैं जब डिप्रेस हो जाता था तो मैं गिटार भी बजाता हूँ, तो गिटार और सिंगिंग दोनों करता था। ओह व्हाट ए कॉम्बिनेशन ऑफ सिंगिंग एंड प्लेइंग गिटार, ग्रेट। यूपीएससी में कुछ हॉबी से पूछा गया इंटरव्यू में? नहीं सर, कुड नॉट गेट ए चांस। नहीं तो और आप इम्प्रेस कर देते शायद, क्योंकि सिंगिंग इज ए ब्यूटीफुल हॉबी एंड यू रियली सिंग वेल। ग्रेट, तो अतुल आप बात करते हैं फर्दर कि जब मेंस का एग्जाम था और मेंस के कुछ समय पहले ऑब्वियसली प्रैक्टिस 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 अलॉट, तो कितने सालों के पीवाईक्यू सॉल्व किए? क्या आपने इलेक्ट्रॉनिक्स के भी सिमिलर सब्जेक्ट के किए, कॉमन सब्जेक्ट्स के टॉप क्वेश्चंस, या फिर सिविल सर्विसेज के सॉल्व किए? सर क्या
सर मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स के तो नहीं, लेकिन सिविल सर्विसेज के क्वेश्चंस किए थे, क्योंकि सर मैंने आपकी कुछ वीडियोस देखी थी जो आपने पिछले टॉपर्स के साथ किए थे, जिसमें आपने बहुत बार बोला भी है कि सिविल सर्विसेज के भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, इवन टॉपर्स ने भी बोला। तो सिविल सर्विसेज के जो इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चंस होते थे उसको मैं सॉल्व करता था। PYQ ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो 17 से 22 तक मैंने सभी PYQ किया हुआ है। उसके साथ साथ टेस्ट सीरीज के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको भी मैं बार बार रेफर करते रहता था। वेरी गुड। तो दोस्तों देखिए, PYQ की जो इम्पोर्टेंस है वो एग्जाम देने के बाद ही आपको पता लगेगी, एंड आई विल से दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रिपरेशन। आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, लेकिन अल्टीमेटली कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के लिए आपको सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन चाहिए जैसे एग्जाम में आते हैं। तो उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ज़्यादा क्लोज और कुछ हो नहीं सकता। तो पिछले 15 से 20 सालों के PYQ बिल्कुल अच्छे से करके जाइए, बहुत अच्छे तरीके से, चाहे गेट का एग्जाम लिख रहे हो, चाहे ईएस का, चाहे प्रीलिम्स या मेंस। इन केस ऑफ ईएससी मेंस, आप उसी तरह के क्वेश्चंस यूपीएससी सिविल सर्विसेज में भी पाएंगे, तो वो भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। दैट विल बी क्वाइट क्लोज। और कुछ कॉमन सब्जेक्ट्स हैं जैसे नेटवर्क है, कंट्रोल है, डिजिटल है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स के भी कर सकते हैं इफ टाइम परमिट्स। अगर टाइम नहीं परमिट करता तो कोई बात नहीं है, बहुत ज्यादा सोर्सेज की जरूरत नहीं है। हाँ, अच्छे सोर्सेज को बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। यू रीड मल्टीपल टाइम्स इंस्टेड ऑफ रीडिंग मल्टीपल सोर्सेज। तो अतुल, कुछ और ऐसा मैसेज देना चाहोगे आप जो स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल हो? टाइम बहुत कम है सर, 3 महीने बाकी है, तो आई थिंक सभी बच्चे, लेकिन इतना भी कम नहीं है कि 3 महीने में किया ना जा सके। ये सर अगर आपने पढ़ा है तो कंसोलिडेट कर बिल्कुल किया जा सकता है। तो हाँ, फ्रेश स्टार्ट करने के लिए लेट है, फ्रेश स्टार्ट करने के लिए लेट है। तो मुझे लगता है कि 3 महीने में आप लोगों को टेस्ट सीरीज देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। खुद की जो वीक जो आप सिले मिस्टेक्स करते हैं, मैं भी बहुत ज़्यादा करता था सर, तो उसको सबसे पहले जानने की ज़रूरत है, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर सिले मिस्टेक हो गए और दूसरे बच्चों ने सही कर दिया तो आपके रैंक बहुत पीछे हो जाएगी। तो आई थिंक ये 3 महीने में टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिविजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यू चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि इस 3 महीने में रिविजन और टेस्ट सीरीज का कॉम्बिनेशन जो होगा वो आपको बहुत अच्छी रैंक दिला सकता है। इफ आई से डिस्क्राइब इन वन सेंटेंस मेड इजी, सर मेड इजी इज़ अ प्लेटफॉर्म, इज़ अ कोचिंग, जिसने इट हैज़ अ वेरी गुड पोजिशन इन माई सक्सेस, जिन्होंने शुरुआत से लेके लास्ट तक मुझे मोटिवेट किया। इवन बहुत सारे अच्छे टीचर्स हैं, जैसे रोहित त्रिपाठी सर, जिनके साथ मैं कॉन्टैक्ट में हूँ, मुरली सर, मशीन्स के कॉन्सेप्ट उन्होंने बहुत अच्छे बताए हैं, अभी हामिद सर भी जिन्होंने मुझे पढ़ाया था, उनकी वजह से इलेक्ट्रिकल मशीन मेरा बहुत फेवरेट हो गया। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के सर हैं, जिन्होंने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छा किया। उनका मेंस का जो उनके क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। जगदीश सर। तो मुझे लगता है कि फैकल्टीज बहुत अच्छी हैं मेड इजी की, एंड इट हैज़ प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन माय सक्सेस। सो ओवरऑल मेड इजी हैज अ वेरी गुड पोजीशन इन माय सक्सेस। इट हैज मेड इट इजी। या इट हैज मेड इट इजी। दोस्तों, मेड इजी इज ऑल अबाउट द quality, and we try our best. There is no full stop and no end of improvement. It can be further improved. There are still chances of improvement, but we definitely try our best and we give our best to the student support. Right? Wish you all the best. Thank and you so for much. Your great achievement, nothing beyond rank one. इससे ऊपर कोई रैंक हो नहीं सकती। सो यू आर रैंक वन एंड यू ट्रूली डिजर्व, बिकॉज यू हैव डन लॉट ऑफ एफर्ट्स एंड लॉट ऑफ हार्ड वर्क फॉर दिस, एंड देर मस्ट बी meticulous planning, क्योंकि आपने बताया कि स्कॉलरशिप भी आपको 100% मिला था। That is great achievement. Thank you for joining in Topper's Talk and we wish you all the best.